बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नीलम देसी टिप्स में आप सबको मेरा आज सलाम अलैकुम। नाज़रीन, आज हम टाइमिंग को बढ़ाने वाला नुस्खा आपके लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। मेरे ऐसे दोस्त जो कहते हैं कि धूल करने से पहले ही हम फारग हो जाते हैं, मर्दाना कमजोरी होने की वजह से, कुव्वत बा कमजोर होने की वजह से उनका टाइम नहीं लगता। वैगरा इस्तेमाल कर करके या कुछ ऐसी बाजारी गोलियां या कैप्सूल इस्तेमाल कर करके उन्होंने अपने गुर्दे खराब कर दिए हैं, या अगर नहीं हुए तो नाज़रीन बहुत जल्द ऐसे लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं जो बाजारी वैगरा गोलियां इस्तेमाल करते हैं या चुटकुले इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जिनसे उनकी जो ताकत होती है वो जायल होती जाती है और मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। उनका टाइम इतना नहीं लगता, उनकी बीवी उनसे मुतमिन नहीं होती, शर्मिंदगी का इजहार उनको होता है और दिन ब दिन इनकी जो शहवत है वो भी कम होती जाती है और वो गोलियों पर लग जाते हैं, डॉक्टरों पर लग जाते हैं। जब तक वो गोली ना खा लें उनको शहवत नहीं आती, उनको अमसाक नहीं आता, उनको टाइम नहीं लगता। नाज़रीन, अपनी जानों पर जुल्म मत करें, देसी नुस्खे इस्तेमाल किया करें। देसी नुस्खे एक तो आपने अपने हाथों से बनाए होते हैं, इसमें किसी किस्म की दो नंबरी नहीं होती और ये कुदरती तौर पर कुदरती चीजें हैं जो जिनको आप इस्तेमाल में लाकर इनके बहुत अच्छे रिजल्ट, इनके बहुत अच्छे फवायद आप हासिल कर सकते हैं। बस ये है कि कामल यकीन के साथ इन चीजों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस ये है थोड़ा सा कि आपने ये करना है कि इनको बस बनाना होता है आपने, इसके अलावा तो आपने और कुछ करना नहीं होता। चीजें बाजार से आसानी मिल जाती है। आप अपनी बीवी से 20 मिनट से लेकर 25 मिनट तक, 30 मिनट तक हम बिस्तरी कर सकते हैं, इससे आपकी बीवी भी खुश होगी, आपको भी लुत्फ आएगा, आपकी बीवी को भी लुत्फ आएगा और आपकी जो इज़दवाजी जिंदगी है वो बहुत अच्छे तरीके से राहत वाली गुजरेगी। जब दोनों मुतमिन हों तो जिंदगी में बहारें आ जाती हैं, हर तरफ रेल पेल हो जाती है। अगर इंसान हम बिस्तरी नहीं कर सकता जल्दी तो दखूल करने से पहले ही वो फारग हो जाता है। एक तो वो परेशानी का शिकार हो जाता है, उसकी बीवी के लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते, उसकी बीवी उसके साथ उसको टांगे मारती है कि तुम क्या करते हो, बीवी अभी मुकम्मल गर्म नहीं होती और उसका जो शोहर है वो पहले ही फारग हो जाता है। इन सब लोगों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक नुस्खा आप लोगों की खिदमत में पेश करने के लिए लेकर आया हूँ। यह नुस्खा खास तौर पर मेरे उस्ताद मोहतरम साहब ने मुझे अनायत किया था। आज आप लोगों की मैं नजरों की जीनत करने जा रहा हूँ ये नुस्खा। ऐसा नुस्खा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बाजार में हकीम लोग, हुकमा लोग इससे लाखों रुपए कमा रहे हैं और कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां इन नुस्खों से लाखों, अरबों, करोड़ों रुपए कमा रही हैं। आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका की एक कंपनी वाइमैक्स इसी तरह के हमारे नुस्खे यूज करके और उनको गोलियों की शक्ल दे के, वायग्रा की शक्ल दे के अरबों रुपए कमा रही है। सिर्फ ये होता है कि वो जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियां, अमेरिकन कंपनियां, वो अपनी तशहीर के लिए, मुहिम के लिए करोड़ों रुपए लगा देती है। हम जैसे गरीब लोगों के पास तशहीर के लिए इतने पैसे नहीं होते, इसलिए हम अगर सोना भी सामने रखें तो कोई नहीं खरीदता। उन लोगों की मट्टी भी हो तो वो भी बिक जाती है। लिहाजा इन सब बातों के एक साइड पर रखते हुए आप लोगों के लिए मैं जो नुस्खा लेकर आया हूँ वो पेशे खिदमत है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए और नुस्खा नोट कर लीजिए। नुस्खा के अज्जा हैं: जाफरान 3 ग्राम, करमफल 3 ग्राम, जोजबोवा 3 ग्राम, मुश्क 3 ग्राम और इनको बनाने के लिए हस्बे जरूरत शहद इस्तेमाल करके इसकी गोलियाँ बनानी है। अगर आपने इस नुस्खे को ज्यादा बनाना है तो इन सब चीजों को डबल कर लें। सभी चीजें 3-3 ग्राम है, मसावी वजन ले लें, 2-2 तोले ले लें, 3-3 तोले ले लें, 4-4 तोले ले लें। जाफरान थोड़ा सा महंगा है इसलिए मैंने ये वजन इतना इतना लिखा है ताकि आप आसानी से ले लें। हर महीने का 2 हफ्ते इस्तेमाल कर लें क्योंकि हफ्ता 2 हफ्ते की ये खुराक बन जाएगी और इतना ही इस्तेमाल करना होता है। एक साल निकल जाए उसके बाद दोबारा फिर ले लें। आसानी के साथ आप बना सकते हैं, अपने बजट में से इसको निकाल सकते हैं। इसके पैसे इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होगा, इतना ज्यादा महंगा नहीं होगा। इसको बनाने की तरकीब कुछ इस तरह से है मेरे भाइयों। इन तमाम चीजों के आपने एक खरल में डालकर इसको खरल करना है। खरल पूरा 1 दिन करना है। अगर एक दिन में ये नहीं कि आपने 1-2 घंटा सिर्फ करना है, यानी कि इसको आपने पूरे 16 घंटे का खर्ल करना है। चाहे 2 घंटे आज कर लें, 2 घंटे कल कर लें, परसों कर लें, चौथ कर लें। जब 16 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे तो आपका ये नुस्खा जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये सफूफ जब तैयार हो जाए मेरे भाई, इसमें हस्बे जरूरत आपने शहद मिला लेनी है जिससे ये थिक हो जाए और इसकी गोलियाँ बन सके। इसकी गोली काले चने के बराबर आपने बनानी है, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी, दरमियानी बनानी है, काले चने के बराबर, ठीक है, चने से ज्यादा बड़ी ना हो मेरे भाई। तरकीब इस्तेमाल कुछ इस तरह से है: 1 गोली हम बिस्तरी से आधा घंटा पहले खानी है, 1 गरम दूध के साथ, 1 गिलास गर्म दूध के साथ। नाज़रीन, आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे। हाँ, 1-1.5 हफ्ता जब ये आपने गोलियाँ खानी है तो उस दौरान आपने कोई मुबाशरत नहीं करनी, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जब ये आप गोलियाँ खा रहे होंगे उस दौरान आपके जो जिस्म, आपके अंदर जो मनी है वो गाढ़ी होगी, मनी बनेगी, मनी पैदा होगी, खून की जो रगें हैं जो उज़्वे तनासल में जाती हैं उनको तकवीयत मिलेगी, उनमें खून दौड़ेगा, वो ताकतवर होगा, आपका नफस ताकतवर होगा। 1.5 हफ्ते के इस्तेमाल से आप में तमाम जुमला अमराज जो हैं मर्दाना कुव्वत के वो बहाल हो जाएंगे और आप 1.5 हफ्ते के बाद अपनी बीवी से अच्छी तरह से हम बिस्तरी कर सकेंगे और अपनी बीवी को मुकम्मल मुतमिन कर सकेंगे। आपकी जो टाइमिंग है वो 20 से 25 मिनट और 30 मिनट तक लगेगी। आपकी बीवी भी आपसे बहुत खुश होगी, वो भी लुत्फ उठाएगी, आप भी लुत्फ उठाएंगे। यानी कि पंजाबी में यही
कह लें कि आप अपनी बीवी के छक्के छुड़ा देंगे। मेरे दोस्तों, नुस्खा पसंद आया हो तो इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, आसानी के साथ मिल जाएंगी हर पंसार स्टोर से, हर जगह से मिल जाएंगी। दुबई, सऊदीया, अरब ममालिक सभी से मिल जाएंगी आसानी से। पाकिस्तान में भी आसानी से मिल जाएंगी, इंडिया में भी आसानी से मिल जाएंगी। इस नुस्खा को बनाएं और इंतहाई मुजर्रब नुस्खा है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी हर आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अलर्ट्स आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।